सतना के चित्रकूट में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा नेताओं ने विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और उनके परिवार पर सरकारी जमीन को बेच लेने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार से जांच की मांग की है, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिलकर रैली निकाली और एसडीएम पीएस त्रिपाठी को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। चित्रकूट की विभिन्न समस्याओं को लेके एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्य रूप से लोगों का कहना है कि समस्याओं ने जो है शासकीय जमीनों को कब्जा कर हटाया गया है। इसके साथ ही और भी पुल के निर्माण और सीवर लाइन के निर्माण, सड़क के निर्माण को लेकर भी जो है ज्ञापन में उठाया है। इन ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं का परीक्षण करा करके और इस पर समुचित वैधानिक कार्रवाई की है।